हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज मैंने ये वाली गाउन वियर करी हुई है, और जब से मैंने इसको स्टिच करवाया अभी फर्स्ट टाइम ही पहना हुआ है। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, तो अभी आपको पता चलेगा किसका बर्थडे है। एंड अचानक से प्लान बना है, पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था। अक्षत आद्या तो सो ही रहे थे, फिर इनको मैंने उठाया कि चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। एंड पहले थोड़ा सा मैंने अपना माइंड ऐसा बना के रखा था कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी आद्या की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा कि जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात आपके किसी खास में हो तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और जाना ही पड़ता है। तो बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए, मुझे जाना ही पड़ रहा है। तो चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ और चलते हैं पार्टी में, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, है ना। फ्रेंड्स, सभी हम जा रहे हैं अनीता भाभी के घर, और एक्चुअली आज है अनीता भाभी का बर्थडे। और पहले से ही हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम का के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनका अचानक से कॉल आया। एंड उनका कॉल अभी हमें 3:30 बजे ही आया, और हमें 4:30 तक उनके घर आना था। उन्होंने घर पर ही थोड़ा सा प्रोग्राम रखा हुआ है, कुछ सेलिब्रेशन का प्रोग्राम, बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो बस हम वहीं पर आ गए। इसीलिए तो मैंने अर्जेंटली बोला कि आराम से बस आ जाना है और कुछ करना नहीं है। एकदम से प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग एकदम 1 घंटे पहले होती है, क्योंकि हम अपना बर्थडे मनाना था ना, बच्चों का था। और ये अचानक से इनवाइटेड बर्थडे पार्टी है, लोगों ना मतलब एकदम रैंडम बुलाया गया है 1 घंटे पहले। तो वही डिस्कशन हो रही है कि इतनी जल्दी में क्या गिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। भाभी चाह रही थी कि रैंडम ही बोले ताकि ये लोग परेशान ना हो। अनीता भाभी के साथ सब अब फोटो क्लिक करवाने जा रहे हैं, और अब हमारी बर्थडे कल रेडी होके आ गई है। और ये जो बुके है ये खुद वंदना भाभी ने अपने हाथ से बनाया हुआ है, तो इसमें एकदम फ्रेश फ्लावर से इसको डेकोरेट किया है, तो बहुत ही अच्छा। तो आज है भाभी का बर्थडे, और देख सकते हैं गिफ्ट को सभी लोग पकड़ के बैठे हैं। मैंने दिया है, मैंने दिया है। बहुत ज्यादा तो सुंदर लग रही है, और आज नए अवतार में अब होने जा रहा है केक कटिंग का प्रोग्राम। तो भाभी अपने केक को लेकर के खुद ही जा रही है, और ये होता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मज़ा, वो भी फ्रेंड सर्कल में। तो अभी हम लोग फ्रेंड सर्कल का टाइप मतलब हो गए हैं, तो अभी हम लोग सब लोग आपस में बिल्कुल दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। एंड यहाँ पर भाभी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने जा रहा है, तो केक आ चुका है। एंड केक को देखते ही ना बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो अभी हम आपको सबसे पहले पास से केक दिखा देते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा सा केक है, खाने में भी ऑब्वियस ये टेस्टी ही होगा। तो चलिए, केक देख करके ना सबके मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी से केक कटिंग का प्रोग्राम करते हैं। और भाभी बोल रही थी कि टीका मत करिए, फिर हम लोगों ने बोला नहीं, बर्थडे बिना टीका के हो ही नहीं सकता है। तो अभी सारे लोग भाभी को टीका करेंगे, तो बर्थडे गर्ल को यहाँ पर सब लोग टीका कर रहे हैं। और सबसे पहले सुमन भाभी ने किया, फिर मैं कर रही हूँ, इस तरीके से सब अपना नंबर लगा के टीका करेंगे। Thank you.
केक कटने जा रहा है एंड भाभी कुछ भूल गई है तो वो लेने चली गई है और हम लोग की यहाँ मजाक मस्ती शुरू है। तो कहते रहे कि जब चार लोग इकट्ठे हो जाए स्पेशली चार लेडीज तो वहाँ पर गपशप जरूर शुरू हो जाती है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे आद्या के लिए कि आद्या के हेयर्स में ना दो चोटी बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छी तो मुझे भी लगती है लेकिन मुझे बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है उसकी दो पोनी बनाने के लिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते, कभी ऐसे अपना गला करेगी कभी ऐसे करेगी और बड़ी मुश्किलों से ना मैं उसकी दो पोनी बना पाती हूँ, पर जैसे तैसे बना ही लेती हूँ। फिलहाल अभी अनीता भाभी यहाँ पर सबके लिए केक लगा रही हैं प्लेट्स में अलग अलग, तो अभी सब लोग केक पहले इंजॉय करेंगे। एंड भाभी ने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं और हाँ मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि इस ब्लॉग को मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी, एक्चुअली मैंने पूरा शूट किया था बट हाँ कुछ क्लिप्स उससे डिलीट हो गई है, तो जितना भी मेरे पास है उतना मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो आज भाभी ने बहुत कुछ बनाया था, गाजर का हलवा एंड मालपुए एंड मीठे कई आइटम थे, कस्टर्ड बनाया था और रसगुल्ले भी भाभी ने घर पर ही बनाए थे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे एंड उसके साथ छोले भटूरे। तो यही सब कुछ था आज की पार्टी में, तो हम सब ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। हाँ थोड़ा सा ये था कि मैं आपके साथ पूरी क्लिप्स नहीं शेयर कर पाई, डांस भी बहुत अच्छा हुआ बट जैसा कि मैंने कहा पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मेरे वीडियो की क्लिप्स इस तरीके से मिस हो गई हैं, और जब जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो ज़रूर ऐसा कर देते हैं, तो मेरे आई थिंक अक्षत आद्या से ये हुआ होगा। केक कट चुका है और अब सब लोग यहाँ पे चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ तो और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल, बाय टेक केयर लव यू ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।